वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एमएस एक्सेल में पाइवोट चार्ट किस तरीके से बनाया जाता है एंड उसका यूज एंड एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमएस एक्सेल को ओपन करेंगे। एमएस एक्सेल को ओपन करने के बाद में डेटा को पुट करेंगे। यहाँ पर डेटा ऑलरेडी पुट है जो कि पॉपुलेशन से रिलेटेड है। ये जो पॉपुलेशन है, यूपी के सभी डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन है जो कि डिफरेंट है एक दूसरे से। तो इसका एनालिसिस कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करेंगे। डेटा को सिलेक्ट, जैसे कि यहाँ पर देवरिया डिस्ट्रिक्ट तक जो है डेटा को सिलेक्ट कर रहे हैं। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद में इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि चार्ट का एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। उस चार्ट के अंदर में जब देखेंगे तब एक पाइवोट चार्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप पाइवोट चार्ट पर क्लिक करेंगे तब यहाँ पर दो ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, पाइवोट चार्ट वाले ऑप्शन पर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तब यहाँ पर देख रहे होंगे सिलेक्ट ए टेबल आर रेंज, कहाँ से कहाँ तक का जो है ये जो डेटा है वो रेंज आप सिलेक्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे वन, यहाँ पर A1, तो कहने का मतलब ये A है, ये 1 है, और लास्ट कहाँ तक है E21, ये E है और ये जो है 21 है। तो डेटा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट हुआ है। और दूसरी बात, आप आगे जब आप देखेंगे तो यहाँ पर न्यू वर्कशीट, मतलब जो पाइवोट चार्ट का एनालिसिस करेंगे न्यू वर्कशीट पर करेंगे, अदरवाइज एग्जिस्टिंग वर्कशीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग वर्कशीट का मतलब क्या है कि इसी सीट पर आप एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग वाले पर क्लिक किए हैं। उसके बाद में लोकेशन, लोकेशन मतलब किस लोकेशन पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहाँ पे, जहाँ पे आप जो है कर्सर को क्लिक करेंगे तो वो लोकेशन ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक। जैसा कि यहाँ पे G2, G2 का मतलब ये G है और ये इधर से देखेंगे ये जो रो है वो 2 नंबर है। अगर मान लीजिए आप इस पर क्लिक करेंगे तब ये लोकेशन चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से लोकेशन सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद में ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का दो टेबल की तरीके का यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि डिस्ट्रिक्ट, मेल, फीमेल, टोटल सेक्स रेशियो का ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है इतना सिलेक्ट किया गया था। तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको अगर मान लीजिए क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जितने आप डिस्ट्रिक्ट पहले से सिलेक्ट किए हुए थे वो डिस्ट्रिक्ट ओपन हो जाएंगे, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। दूसरा मेल, मेल ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप मेल यहाँ पर पहले से सिलेक्ट किए हुए। अगला है फीमेल, तो अब यहाँ पर फीमेल वाला ये यहाँ पर भी ऐड हो रहा है और यहाँ पर भी ऐड हो रहा है। उसके बाद में टोटल, उसके बाद में सेक्स रेशियो, तो यहाँ पर देख रहे हैं जितने डेटा सिलेक्ट किए हुए थे उतना यहाँ पर ऐड करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मान लीजिए आप किसी को घटा बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए अनटिक कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए सेक्स रेशियो को अनटिक अनटिक कर लेंगे तो यहाँ पर जो ये सेक्स रेशियो वाला ऑप्शन था वो हट जाएगा। तो आप जिसको भी एनालिसिस करना चाह रहे हैं यहाँ पर बेसिकली कंपैरिजन आप कर सकते हैं। एनालिसिस करने का मतलब यहाँ पर आप कंपैरिजन कर सकते हैं एक दूसरे का। कंपैरिजन जो है सेक्स रेशियो के हिसाब से कर सकते हैं, मेल के हिसाब से कर सकते हैं, फीमेल के हिसाब से कर सकते हैं, या टोटल के हिसाब से कर सकते हैं, अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो इस तरीके से जान लिया या समझ लिया कि जो भी चीज़ आप जो है यहाँ पर टिक करते हैं वो चीज़ यहाँ पर ऐड हो सकता है या जो है सब्ट्रैक्ट हो सकता है। उसी के अकॉर्डिंग इस टेबल में भी ऐड सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे मान लीजिए सेक्स रेशियो पर क्लिक करेंगे, सेक्स रेशियो का ये ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा, लेकिन जैसे अनटिक करेंगे तब ये हट जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आप डिस्ट्रिक्ट वाइज से वाइज के अकॉर्डिंग भी जो है कंपेरिजन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है वो आगरा से लेकर देवरिया तक है। मान लीजिए आपको कोई डिस्ट्रिक्ट हटाना है यहाँ से, उसके लिए क्या करना होगा, सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए बलिया, बहराइच, औरैया, इलाहाबाद, बांदा, बिजनौर, बस्ती,
बुलंदशहर को आप हटाना चाह रहे हैं, तब इसको अनटिक कर लेंगे, उसके बाद में ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज से भी जो है एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आप टोटल को अनटिक करते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, जो टोटल वाला ऑप्शन होगा वो हट जाएगा। तो यहाँ पर जो भी कंपैरिजन होगा वो मेल फीमेल एंड डिस्ट्रिक्ट के बीच में ही होगा। सपोज इस जो ये डिस्ट्रिक्ट है इसमें से और आप जो है रिड्यूस करना चाह रहे हैं या कम करना चाह रहे हैं, तब दोबारा फिर से क्या करना होगा, सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर, ये डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहाँ से जो सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट है उसको जो है अनटिक कर देंगे, उसके बाद में ओके पर क्लिक करेंगे, तब यहाँ पर क्या होगा, ये डिस्ट्रिक्ट कम हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो भी कंपैरिजन हो रहा है वो सम ऑफ मेल सम ऑफ फीमेल एंड डिस्ट्रिक्ट के बीच में हो रहा है। इसके अलावा इसमें और बहुत सा चेंजिंग कर सकते हैं, जैसा कि इसका फॉन्ट साइज जो है चेंज करना चाह रहे हैं, तब इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में इसको बोल्ड कर सकते हैं, टाइम्स इन रोमन में रख सकते हैं, साइज बढ़ा सकते हैं, इसको ब्लैक में कर सकते हैं, उसके बाद में सेम प्रोसेस आगे भी कर सकते हैं, साइज बढ़ा सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, यही इसमें भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस, साइज बढ़ा लेंगे, बोल्ड कर लेंगे, टाइम्स इन रोमन क्लिक करेंगे, उसके अलावा इसमें भी वही कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो लाइन है ये सब जो है ब्लैक हो चुका है। यहाँ पे ये आउटसाइड वाला जो लाइन है इसको भी आप ब्लैक कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर जो है एक जैसा दिखाई देने लगेगा। इसके अलावा और भी चेंजिंग कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर एक्सिस ऐड कर सकते हैं, उसके लिए प्लस वाले पर क्लिक करेंगे, एक्सेस टाइटल्स यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो ये वाई एक्सेस एंड एक्स एक्सेस का ऑप्शन ऐड हो जाएगा। अब क्या करना होगा, यहाँ पर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट्स, इसको भी आप अपने हिसाब से चेंजिंग कर सकते हैं, टाइम्स इन रोमन इसका साइज बढ़ा सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पर भी चेंजिंग कर सकते हैं पॉपुलेशन, टाइम्स इन रोमन इस तरीके से चेंजिंग कर सकते हैं। और इसको यूज कैसे करेंगे, यूज करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल सी के साथ में कॉपी कर लेंगे, उसके बाद में आप वर्ड पर पेस्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको वर्ड पे यूज करना है या स्लाइड पर या पीपीटी में यूज करना है, तब वहां पर भी आप पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये मूव नहीं कर रहा है, मूव करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, रैप टेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर इसको क्लिक कर देंगे। अब देख रहे होंगे कि इसको ऊपर नीचे लेफ्ट राइट इसको मूव कराया जा सकता है। उसके अलावा अगर आपको इसको सेव करना है, तब आप फाइल में जाकर यहाँ पर जो है सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से इसको सेव भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर पेस्ट कर चुके हैं और अगर आप चाह रहे हैं कि इसमें कुछ और ऐड करना है, तब आपको दोबारा जो है बनाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है ये चीज ऐड हो जाएगा। या मान लीजिए सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ से निकालना है, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट को कम करना है, उसके लिए क्या करना होगा, डिस्ट्रिक्ट पर जाएंगे, यहाँ पर मान लीजिए आगरा को हटाना है, अम्बेडकर नगर को हटाना है, आजमगढ़ को हटाना है, तो क्या करेंगे, इसको अनटिक कर देंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट हट जाएंगे। मान लीजिए कोई और डेटा ऐड करना है, मान लीजिए टोटल पॉपुलेशन का डेटा ऐड करना है, तब टोटल वाले को टिक करेंगे, यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये टोटल वाला ऐड हो चुका है, और जब आप यहाँ पर देखेंगे वर्ड वाले में, तब यहाँ पर भी ऐड हो चुका होगा।
आई होप दोस्तों यहां पर आप समझ चुके होंगे कि एमएस एक्सेल में पाइवोट चार्ट का यूज एंड एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।